देखिए मीडिया की बात मैं तो देखता नहीं हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों देखते ही क्यों से और उनका जिक्र ही क्यों करते हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, उन्हें मीडिया क्यों करते हैं, मीडिया तो आप हैं। स्टेट बैंक से 1,00,000 करोड़ रुपए लोन भी दिलवाएं साथ के साथ और फिर उसके बाद अभी श्रीलंका में फ़ोन करें कि अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दो, इतना तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी एक सब खुशी से कर रहे होंगे, उन पर कोई ना कोई मजबूरी और दबाव है। अडानी मुस्लिम तंजीमें हैं, उनके जो 100-200 बड़े बड़े हमारे जो सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब आरएसएस से मिले हुए हैं, उनके एजेंट हैं, इसीलिए बुलडोजर नीति के खिलाफ वो आरएसएस की मदद करे। तो किसान आंदोलन से बहुत बड़ी बात है ना, किसान भी अपनी धरती चाइना से बचाने के लिए लड़ रहे थे, ये तो डायरेक्ट चाइना 1,000 किलोमीटर तो इनके राज में खा ही चुके हैं चाइना वाले, ये तो पूरा देश खाने की साजिश है। भारत की सेना से जो चाइना और पाकिस्तान की जो सेनाएं डरती हैं वो सेनाओं का उनका डर निकालना है और उन सभी अधिकारियों को और उन सभी नेताओं को जेल भिजवाने का काम करेंगे। अभी कानपुर के लोग शायद हमारे पास आ रहे हैं। बिजनेसमैन यही तो है या क्रिमिनल मीडिया के मालिक, वो तो उस पे मत बात, उस पे के बात आप देखते हो, आप देखते हो तो मुझे आप पे बहुत शर्म आ रही है। अगर आप सर ये जो मीडिया सबसे ज्यादा देखा जाता है फिर आप लोगों को बहुत गलत फहमी है। आप जो सोशल मीडिया की सच्ची चैनल जो है ना न्यूज रिपोर्टर्स, ये उनसे 50 गुना ज्यादा देखे जाते हैं, आपको यही नहीं पता उनको कौन देख रहा है। घर घर में है सर, ये फ्री दे रहे हैं सबको, फ्री दें या कुछ भी दें कोई नहीं, आपकी रीच सोशल मीडिया की रीच इनसे 50 गुना ज्यादा है, इसीलिए आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश हो रही है। आप लोग जीत रहे हैं, ये जो अभी जो हमारे देश के नौजवान ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना ये जीत चुके हैं, और सोशल मीडिया पे जो असली रिपोर्टर्स हैं वो जीत रहे हैं। ये सब जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ना इन सबको हम अम्बेडकरवादी जेल भिजवाएंगे, ये लंबे लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान और चाइना की जासूसी करने के लिए जेल जाने वाले हैं, आप फिक्र मत करो। वो कहाँ जेल जा रहे हैं, आप जैसे लोग जा रहे हैं बोलने वाले जेल, ये अभी है ना, ये अभी का टाइम है, अभी आप देखो टाइम आ रहा है, ये जितने कोटा टाई पहन के बैठे हैं ना सब टीवी चैनल पे फ्रॉड, ये सब जेल जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा से लोग जेल नहीं जाते क्या? जब अंबेडकर, जब संविधान का राज आएगा और वो आने वाला है जी, सबको सबके गुनाहों की सजा मिलेगी, चाहे कोई वर्दीधारी हो या कोई कुर्ताधारी हो, सब ध्यान रखें। अभी बिल्कुल संविधान राज नहीं है, संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बोल चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पे दबाव है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है तो क्या संविधान का राज है? संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और हम अम्बेडकरवादी संविधान का राज लाएंगे, पूरी तरीके से लाएंगे, किसी भी हालत में उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। जो प्रधानमंत्री, जो होम मिनिस्टर संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं उनकी नाक के नीचे ये बोला जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, धर्म संसद होके ये बोला जा रहा है कि हम भारत का संविधान ख़त्म करेंगे, हम मनुस्मृति लागू करेंगे, और वो संविधान की शपथ खा के चुप बैठे हैं, ये लगता है आपको संविधान की रक्षा करेंगे ये लोग? सर जनरल बीके सिंह ने जैसे बताया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे अपनी पद के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, और जहाँ तक पता चल रहा है कि राजनाथ सिंह को भी इसकी जानकारी नहीं थी, रक्षा मंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं, ये जो स्कीम्स हैं, इनका फैसला कहाँ से हो रहा है, कौन सी कैबिनेट ये डिसाइड कर रही है? देखिए मैंने सीधे सीधे अभी बताया, शायद आपने मेरी पहली बात नहीं सुनी, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जो चाइनीज कंपनी में, आप इसके रिसर्च कीजिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कितने गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कंपनीज में डायरेक्टर हैं, फ्रंट कंपनीज में, आपको वो बना रहे हैं पॉलिसी देश की, मोदी जी और शायद अमित शाह से आप भी नहीं बना पा रहे हैं, उनको सिर्फ ये है कि तुम अपने पदों पे रहो और ये बढ़िया बढ़िया 70-80 लाख के हेडक्वार्टर से तो नहीं बन रही है, नागपुर हेडक्वार्टर से भी बन रही होंगी लेकिन मुझे नहीं लगता नागपुर हेडक्वार्टर को इतनी समझ है, ये जो लेकिन अडानी अंबानी ये सब लोग हैं ना, ये चाइनीज जो उनके जैक मा वगैरह हैं ये सब लोग, वो देखिए वहाँ के बिजनेसमैन भी तो हैं, वो देश के साथ वफादारी कर रहे हैं और ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये हैं अडानी अंबानी देश के दुश्मन, और चाइनीज और पाकिस्तान, एक हमारे जिंदल साहब भी हैं कोई जो पाकिस्तान स्टील के साथ, उनके भी बड़े घनिष्ठ संबंध है, सज्जन है क्या नाम उनका, नहीं नहीं सज्जन जिंदल नाम, जो नवाज शरीफ की जो स्टील की कंपनियाँ उनके साथ बिजनेस है उनका, वो भी मोदी जी के बड़े खास हैं। अभी एक लेटेस्ट केस मैं आपको बताऊंगा, जायोमी कंपनी आप सबको पता है ना, उनके कोई मनु जैन करके इंडिया हेड थे, जैसे ही मोदी जी बने तुरंत उनको इंडिया हेड बना दिया जायोमी कंपनी, मोदी जी तो नहीं बनवाया होगा, उनके फ़ोटो हैं अंबानी साहब के साथ ट्विटर पे और मीडिया पे देख लेंगे, तो उन्होंने उनको जायोमी कंपनी का वो बनाया, वो जायोमी कंपनी के मनु जैन साहब अभी 5,000 करोड़ ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा किया, 5,000 करोड़ रुपए लेके भागे हैं और अभी दुबई में है, जायोमी वर्ल्ड वाइड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने,
तो ये 5,000 करोड़ जो देश से चुराया उन्होंने, जिसका ईडी ने अभी केस किया है, और आप समझ लीजिए ये वाली ईडी अगर उनके ऊपर 5,000 करोड़ का केस कर रही है तो कम से कम 50,000 करोड़ चुराए होंगे। और जो ये ज़ायोमी कंपनी है वो बैन हुई थी अमेरिका में अभी 2 साल पहले, ये फ्रंट कंपनी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइनीज आर्मी है उसकी, इस बात पे अमेरिका में बैन। तो ये 5,000 करोड़ चाइनीज आर्मी के काम आने वाले हैं, हमारे देश की आर्मी को नुकसान पहुंचाने। सर ये किसान केस हो रहे हैं सर, किसान बिल जो सरकार को वापस लेना पड़ा, और जो सेना में ज्यादातर बच्चे भर्ती होते हैं वो खेती किसानी से आते हैं, कहीं सरकार बदला तो नहीं ले रही है? सरकार नहीं बदला ले रही, सरकार के हाथ में नहीं है ना। राजनाथ सिंह जी को आप मुझे बता रही हो नहीं बता, हमारे जो जो एक ही इनके कैबिनेट में जो किसान बिल पे उनको बैकफुट पे आना पड़ा था, बैकफुट पे नहीं माफी मांगनी पड़ी थी, अभी भी साजिश जारी है। देखिए किसान आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है, असली चीज़ है ये पीछे से साजिश करके वही काम अभी भी दोबारा करें। MSP का कुछ हुआ अभी नहीं हुआ ना, और देश से अनाज जो है एक्सपोर्ट करना बंद हुआ ना, क्योंकि देश में इतनी खाद्यान्नों की कमी आ गई, क्योंकि ये सारा अनाज यहाँ से चुरा के पहले छुपा के बेच चुके हैं, इसलिए आई है कमी। तीसरी चीज़ ये अभी आर्मी का काम शुरू हो गया, ये भी लड़ाई हम जीत चुके हैं, लेकिन मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें, हम जीत चुके हैं, और जो हिंसा करने वाले आ रहे हैं उनको रोकें, उनको पकड़ें और पुलिस के हवाले करें, और ये लड़ाई जीत चुके हैं हम। लड़ाई ये नहीं होनी चाहिए, लड़ाई ये होनी चाहिए कि अब राजनाथ सिंह जी या तो आके कहें मुझे ये नहीं पता थी, और उन गद्दारों को देश के जो पाकिस्तान और चाइना की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये पॉलिसी लाएँ, उनको अरेस्ट कराएं। हमारा आंदोलन इसलिए होना चाहिए, हमारा आंदोलन उन गद्दारों को अरेस्ट करना चाहिए, उन गद्दारों को देशद्रोह का मुकदमा लगा के अरेस्ट कराना होना चाहिए, जो ये पॉलिसी लाए हैं उसके लिए करें। ये तो खत्म हो चुकी पॉलिसी, ये नहीं चलेगी। कह रहे हैं मोदी जी का आशीर्वाद से 2 साल और बढ़ा दी हमने, क्या बढ़ा दी है? आशीर्वाद से बढ़ा दी है, तेज कर दिया। ठेकेदारी प्रथा क्यों नहीं हटा दी? ठेकेदारी प्रथा पे आर्मी होती है क्या? किसी देश में है ऐसा? किसी देश में है ऐसा? तो होने जा रहा है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, ठेकेदारी पे आर्मी भी होगी, और वो ठेकेदार जो होंगे वो अंबानी और अडानी होंगे। मना है क्या रेगुलर नौकरी देना 23 साल करके? कौन मना कर रहा है? जो प्रक्रिया है आर्मी में भर्ती की, जो सैकड़ों साल से चली आ रही है, जिससे हमारी आर्मी और हमारी सेनाएं बनी हुई हैं मजबूत, उसी तरीके से। हाँ, जो चाइना और पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ मिलके भारत का नुकसान कर रहे हैं, वो नया भारत हम नहीं बनने देंगे। सर ये भारत किसान का, मजदूर का, नौजवान का होगा, या क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ जो देश बढ़ रहा है ये उनका भारत होगा? आपको क्या लगता है हम अम्बेडकरवादी इतने कमजोर हैं? हम श्रीलंका भी नहीं बनने देंगे, हम उससे पहले ही पीसफुल प्रोटेस्ट करके इन सभी लोगों की हम लोग जेल भिजवाएंगे। हम श्रीलंका की तरह इन्हें मारेंगे नहीं, हम लोग इनके RSS के एक एक व्यक्ति को, जो कल एक छोटी सी स्कूटर पे घूम रहा था और आज मर्सिडीज में घूम रहा है, हम चिन्हित करके सिर्फ इन 8 सालों में RSS और BJP के कितने ऑफिस बेयरर्स करोड़पति और अरबपति बन गए, उनको सबको चिन्हित करके जेल भिजवाएंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त करा के देश के असली जो प्रधानमंत्री, असली प्रधानमंत्री जो अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे उसमें देंगे। कोई ये PM कौन सा फंड है, ये फ्रॉड फंड, PM कौन सा फंड है, ये PM केयर फंड, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उस फंड से भी सारा पैसा निकाल के जो PM रिलीफ फंड है प्रॉपर उसमें डलवाएंगे। मनमोहन सिंह को जैसे मौनी प्रधानमंत्री कहा जाता था कि एक मौन प्रधानमंत्री है, और जिस तरीके से अभी तमाम मुद्दे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो क्या जिस तरीके से वो मनमोहन सिंह को टारगेट करते थे कि एक मौन प्रधानमंत्री है, तो आप मोदी जी के बारे में क्या? वो एक मजबूर प्रधानमंत्री है, वो अडानी जी और अंबानी जी के सामने मेरे ख्याल से कुछ नहीं बोल सकते। अभी आपको उनकी मतलब इतनी ताकत नहीं है कि वो अडानी अंबानी से कुछ भी बोल पाए, और उन जैसे दूसरे लोगों से भी। अभी आपने एक श्रीलंका के बारे में एक न्यूज़ सुनी होगी, जिसमें वहाँ की जो संसद है उसमें ये आरोप लगा था कि एक बिजनेसमैन को, मोदी जी अडानी जी को वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने गए थे, और उस कॉन्ट्रैक्ट को मोदी जी ने फ़ोन करके दिलवाया था ज़बरदस्ती करके, श्रीलंका सरकार पर दबाव डाल के, जो विदेश के किसी गवर्नमेंट में फ़ोन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मजबूरी में। कोई खुशी से तो नहीं किया होगा उन्होंने, इतनी तो ज़मीर फरोशी नहीं होगी कि अडानी को ऑस्ट्रेलिया जाएं दिलाने के लिए कोल माइंस स्टेट बैंक से 1,00,000 करोड़ रुपए लोन भी दिलवाएं साथ के साथ, और फिर उसके बाद अभी श्रीलंका में फ़ोन करें कि अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दो। इतना तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी एक सब खुशी से कर रहे होंगे, उन पे कोई ना कोई मजबूरी और दबाव है अडानी और अंबानी। सर जैसे आप कह रहे हैं कि हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे, लेकिन अगर हम कल की खबर देखें तो जो इंडिया के सुपर रिच लोग हैं, तकरीबन 8,000 लोग जो है वो भारत छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको
क्या लगता है ये सोशल और पॉलिटिकल जिस तरीके से एक सोशल फैब्रिक एक माहौल खराब हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आगे फ्यूचर में अगर इकोनॉमी के तौर पे देखें तो इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, या आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे या भारत श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है? हम नहीं बनने देंगे, भारत श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए RSS और BJP जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, साजिश करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, देश में मुसलमानों के प्रति नफरत। अब जब जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने इतने यहाँ पे जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो इस्लाम धर्म के खिलाफ बातें बोली, तरह तरह के लोगों से बुलवाईं RSS और BJP ने, जब तब भी रिएक्शन नहीं आया, तो इन्होंने डायरेक्ट एक इशारा करने के लिए कि ये ऑफिशियल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो इनके स्पोक्स पर्सन है BJP के, उनसे बुलवाई बात कि अब तो वो लोग रिएक्शन करेंगे, तब रिएक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है, ये छोटा सा एग्जांपल है, इसका क्या सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारे 60% फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्ट जो आ रही है फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आ रही है, इन्हीं देशों से जो हमारे यहाँ के लोग खून पसीना एक करके वहाँ जाके मेहनत कर रहे हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग ही हैं ज़्यादातर, तो वो 60% फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, वो बंद हो जाए, उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, तो कहाँ के वर्कर्स जाएंगे, चाइना और पाकिस्तान के रिप्लेस करेंगे। और जो ये इन्वेस्टमेंट लाते थे यहाँ पे, जिससे इकॉनमी बची हुई है अभी भी थोड़ी बहुत, वो भी सब ख़त्म, चाइना और पाकिस्तान को चली जाएगी। दूसरा, जो यहाँ का गुड्स जा रहा है वहाँ पर, उसको आप देख रहे हैं कि वहाँ से निकाला जा रहा है, मतलब बाइकआउट किया जा रहा है गुड्स का, इंडियन गुड्स का। इसका फ़ायदा किसे होगा? इसका फ़ायदा चाइना और पाकिस्तान के गुड्स वहाँ पे से वो रिप्लेस करेंगे। तीसरा, जो CPAC है, चाइना और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट से लेके और जिंजाओ प्रोविंस तक एक CPAC बन रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है। भारत की सरकार, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, पिछले 5 साल से एकदम चुप है ना इस बारे में। इसमें क्या सेटिंग हुई है ये बता दीजिए, मोदी जी मुझे बता दें कि हमारे देश का सारा जो, अब चाइना को अभी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जो अपने गुड्स हैं, तैयार गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स हैं, वो पहुंचाने के लिए समुद्र का रास्ता लेना पड़ता है या जहाज़ का रास्ता लेना पड़ता है, इसलिए उसके गुड्स जो हैं महंगे। तो CPAC जैसे ही बन जाएगा तो चाइना का सारा प्रोडक्ट सीधा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जाएगा CPAC के लिए, इस सेटिंग से। CPAC का अपोजिशन ही नहीं कर रही, तो ये सब काम हम करेंगे, CPAC को हम रोकेंगे जैसे ही अम्बेडकरवादियों की सरकार आती है। हम ये सारी पॉलिसीज जो देश को नुकसान करने के लिए चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सरकार RSS की कर रही है, उसको सबको चेंज करेंगे। हमारे देश की स्ट्रेंथ हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, ये हमारे देश की स्ट्रेंथ हैं, हम इनको स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करेंगे। हम इस्लाम और मुस्लिम धर्म के मानने वालों को इस बात के लिए लीवरेज करेंगे कि सारी इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट करें। हम बुद्ध कम्युनिटी को, बुद्धिस्ट धर्म के मानने वालों को इस तरह यूज़ करेंगे, इस तरह लीवरेज करेंगे कि सारी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ या बुद्धिस्ट कंट्री जो मानने वाली हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, हमारे संबंध अच्छे हों, हमारी ट्रेड अच्छी हो और हम देश को खुशहाल बनाएं। हम क्रिश्चियंस को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि क्रिश्चियन कंट्रीज हमारे साथ संबंध अच्छे हों, उनके एक दूसरे पर विश्वास बनाएं, हम देश को महान बनाएंगे, ये तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इन सभी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाओं को गुलाम बनाया जाए और उसी जगह ले जाया है जैसा पहले हजारों साल तक होता आया है, ढोल कमार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकार, वो हम नहीं होने देंगे। सर, देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट सीधा जाने के बहुत ही खिलाफ हूँ, एक प्रक्रिया है, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारी तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें जाती हैं भाग के, वो गलत काम कर रही हैं। प्रोटेस्ट तो करेंगे नहीं पीसफुल, क्योंकि RSS से मिले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी अगर हो गई तो फिर उसका कोई जवाब भी नहीं मिलेगा। ये इस साजिश के तहत बहुत सारी तंजीमें जाती हैं, उनके खिलाफ भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी RSS से गठजोड़ करके काम करती हैं, उनको इस बात के पैसे भी इकट्ठे करते हैं। कोई भी ये जो जमीयतें हैं या दूसरे लोग हैं जिनको फॉरन से बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, इनके खिलाफ तो कभी RSS वाले रेड नहीं कराते। क्यों? क्योंकि उन्हीं के आदमी हैं, ये समझना चाहिए। तो वो लोग जो ये बड़ी बड़ी हमारे जो मुस्लिम तंजीमें भी हैं, जो बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं उनके जो 100-200 बड़े बड़े हमारे जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं, वो और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब RSS से मिले हुए हैं, उनके एजेंट हैं, इसीलिए बुलडोजर नीति के खिलाफ वो RSS की मदद करने के लिए काम कैसे रोकने के लिए आप काम कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट,
और उन सभी अधिकारियों को और उन सभी नेताओं को जेल भिजवाने का काम करेंगे। अभी कानपुर के लोग शायद हमारे पास आ रहे हैं, हमें सिर्फ उनके घरों को बचाना नहीं है, उन अधिकारियों को जो कानून तोड़ के ये सब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये क्राइम्स हैं, उनको जेल भिजवाने का काम भी हम करें। सर, जब कृषि कानून आया था और कृषि कानून को समझाने के लिए सरकार को इतना टाइम लग गया था, बोल रहे कि ये समझ नहीं पा रहे हैं किसान लोग, लेकिन अग्निपथ योजना आती है उसको दो दिन में जो है अग्निवीर समझ जाते हैं, ये कुछ घपला है क्या, ऐसा बोला जा रहा है, कुछ घपला है क्या? ये घपला तो सारा घपला ही है ना, RSS और BJP से आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, सब घपले ही तो कर रहे हैं, घपले के अलावा क्या कर सकते हैं। कोई भी काम उन्होंने देश की भलाई के लिए किया हो तो एक काम गिनवा दो आप मुझे, सारे काम सिर्फ एक ड्रामा, एक क्रिमिनल मीडिया जो उनकी है सो कॉल्ड, उसको इस्तेमाल करके एक माहौल बनाया जाता है अपने जो RSS और BJP के कार्यकर्ता हैं उनको सबको करोड़पति बना के दिन रात इसी काम, कोई काम थोड़ी करते हैं, दिन रात इसी काम पे लगे रहते हैं, पब्लिसिटी करने, कानाफूसी करने के, मोदी जी महान है बाकी सब ठीक है, और उसी तरीके से उनकी ट्रोल आर्मी उस पर हज़ारों करोड़ रुपये देश का चुरा के सब कर रहे हैं। पेटीएम किसका है, पेटीएम का ओनर कौन है, आज देश की सारी अर्थव्यवस्था जो है चाइनीज कंपनीज के हाथ में किसने दी है, इन्हीं मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन ने ना, इन्हीं ने दिए ना हर चीज़ में। अब आर्मी और हमारी फौज के ऊपर भी हाथ डालेंगे इस तरह से, हम नहीं करने देंगे। अब तो लगातार जो है अग्निपथ योजना में जो लोग तोड़फोड़ और दंगाई मचा रहे हैं उसको आक्रोश का नाम दिया जा रहा है, मगर जो मुस्लिम अगर प्रोटेस्ट करते हैं जुम्मे की नमाज पर जब वो निकलते हैं तो वो उनको दंगाई बोल दिया जाता है। ये आक्रोश और दंगाई दो शब्दों से खेल रहा है ये मीडिया, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मीडिया की बात मैं तो देखता नहीं हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों देखते ही क्यों से और उनका जिक्र ही क्यों करते हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, उन्हें मीडिया क्यों कहते हैं आप, मीडिया तो आप हैं, आप क्या कह रहे हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। आप या क्या कह रहे हैं, आप उनको भी अच्छा बता रहे हैं और इनको भी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जो वायलेंस करता, जो किसी भी प्रकार से हिंसा में शामिल होता है, वो या तो RSS द्वारा बहकाया गया है या RSS का एजेंट है। सर, अभी जिस तरीके से अग्निवीर जो हैं अब अग्नि लगाते फिर रहे, अब तो सेना में वैसे ही भर्ती नहीं हो सकते, अब तो उनके ऊपर केस लग जाएंगे, तो अग्निवीर तो अग्निवीर रहे ही नहीं अब। नहीं देखिए, ये यही तो साजिश है ना RSS की, इसीलिए उन नौजवानों से हम कह रहे हैं बार बार, आप प्रोटेस्ट इससे 10 गुना बड़े करिए, अभी कम हो रहे हैं प्रोटेस्ट, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए, आप ये लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन प्रोटेस्ट इस बात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गई पॉलिसी, समझिए आप, ये नहीं चलेगी, हम इसको नहीं होने देंगे, आप और हम मिलके इसको होने नहीं देंगे। सवाल इस बात का है कि ये देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, उसको उन लोगों को जेल भिजवाने का है, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से पीसफुल होना चाहिए। अब तो उम्र सीमा को लेके जो है वो थोड़ा पीछे भी हटे हैं, अब क्यों इस तरीके से अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है? पूरा कानूनी वापस होगा, इसमें कोई सोचने की भी बात नहीं है, ढूंढना हमें वो है कौन गद्दार है जो ये पॉलिसी लाए, एक एक उस गद्दार को ढूंढ के जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना हमारा काम है, उसके लिए एजिटेशन होना चाहिए। किसान आंदोलन जैसे तरफ से ये भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा? अरे ये तो किसान आंदोलन से बहुत बड़ी बात है ना, किसान भी अपनी धरती चाइना से बचाने के लिए लड़ रहे थे, ये तो डायरेक्ट चाइना 1000 किलोमीटर तो इनके राज में खा ही चुके हैं चाइना वाले, ये तो पूरा देश खाने की साजिश है। भारत की सेना से जो चाइना और पाकिस्तान की जो सेनाएँ डरती हैं, वो सेनाओं का उनका डर निकालना है, ये साजिश है, इस बात को आप समझिए। हमें उन लोगों की तलाश है आप जिन्होंने ये पॉलिसी लाई है, वो हैं देश के गद्दार, उनको हमें ढूंढना है, इसी चीज़ के लिए एजिटेशन है। पर योगी जी ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है, मगर ऐसे भड़काऊ लोगों की बातों में मत आइए जो आपको लोगों को हिंसा की ओर बढ़ा रहे हैं और भड़काऊ जैसे भाषण दे रहे हैं। हिंसा की तरफ बढ़ाने वाले तो देखिए, या तो बहकाने वाले हिंसा के लिए या बढ़ाने वाले, RSS का कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा उनसे, अम्बेडकरवादी जो लोग होंगे, जो संविधान के मानने वाले लोग होंगे, जो देश से प्यार करने वाले लोग होंगे, वो कभी भी हिंसा नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी प्रोवोकेशन हो। तो ये इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि कौन ये काम करा रहा है, वरना इसके बारे में कोई जवाब है RSS और BJP के पास कि ये इतनी बड़ी देश के साथ गद्दारी क्यों हो रही है? जवाब क्या है? हिंसा, हिंसा की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं ना, ये हम नहीं डाइवर्ट होने देंगे। मुद्दा ये है कि ये गद्दारी देश के साथ किन लोगों ने किसके इशारे पे की है, उसको ढूंढना मुद्दा है। शुक्रिया सर। तो अभी हमारे साथ थे महमूद प्राचा जी, जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट भी हैं और अच्छी हमेशा से SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, हमेशा से उनकी आवाज़ को उठाते आए हैं। आज उसी के चलते जो है अग्निवीर जो अग्निपथ योजना लाई गई है, उसी के चलते हमने उनसे जवाब सवाल किए और बहुत कुछ अच्छे जो जवाब थे उनसे मिले और बहुत कुछ उन्होंने बताया कि किस तरीके से अग्निवीरों को जो है बहकावे में ला करके सरकार एक अलग योजना ला करके हमेशा से खड़ी कर देती है और
फिर उस पर जो है उत्पात होने लगता है, उसी के चलते हमने बात की। इसी तरीके से देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली।